हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे अव्यय। तो अव्यय क्या होते हैं सबसे पहले जानते हैं। अव्यय जैसे अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखें, अव्यय ये मिलके बना है आ प्लस व्य से। आ का मतलब होता है जब भी आ प्रत्यय आगे लगता है तो इसका नहीं होता है, और व्य का मतलब खर्च, मतलब जो खर्च ना हो, खर्च ना हो मतलब इसका मतलब क्या हो? जो खर्च ना हो, कुछ अटपटा लग रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास 10 रुपए हैं, तो इसमें से कुछ भी खर्च ना हो अगर, तो आपके पास इसका 10 रुपए का जो रूप है वो क्या रहेगा? 10 रुपए ही रहेगा अगर ये खर्च ना हो। मतलब कहने का मतलब भावार्थी है जिसके रूप में परिवर्तन ना हो। परिवर्तन ना हो, ठीक है, ऐसे शब्द जिनके रूप में परिवर्तन ना हो या जो व्यय ना हो, जो खर्च ना हो, उनको हम बोलते हैं अव्यय। ठीक है, तो अव्यय, अब जिनके रूप में बदलाव ना हो उनको हम अभिकारी भी बोलते हैं, हमने पढ़ा रखा है अभिकारी शब्द। ठीक है, तो अव्यय क्या है? एक अभिकारी शब्द है। ठीक है, दो शब्द होते हैं आपके, एक विकारी और एक अभिकारी। विकारी जिनके रूप में परिवर्तन हो, तो किसी भी शब्द के रूप में कितने प्रकार से परिवर्तन होता है? चार प्रकार से। चार चीजें किसी शब्द के रूप में बदल सकती हैं, क्या? लिंग, काल, कारक और वचन। ये चार चीजें हैं जो कि किसी शब्द के रूप में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं। ठीक है, इनके आधार पर परिवर्तन होता है। ये हम सब पढ़ चुके हैं, लिंग भी पढ़ चुके हैं, कारक, काल, वचन। देखें हम कैसे लिंग में अगर पुल्लिंग होगा तो शब्द का रूप अलग आएगा, स्त्रीलिंग होते ही तो अलग रूप आता है। काल में भी हमने पढ़ा था, वर्तमान काल में अलग रूप चलेगा, ठीक है, भविष्य काल में अलग चलेगा, भूत काल में अलग चलेगा। कारक में भी आपके 7 कारक थे, ठीक है, वचन में एक वचन में अलग होगा, बहुवचन में अलग होगा। जैसे एक वचन में है आता है और बहुवचन में क्या आता है? हैं आते हैं। इसी तरीके से जैसे यहाँ स्त्रीलिंग में क्या है, क्या आएगा? चलने के लिए चली, और पुल्लिंग में चला। तो इस तरीके से रूप में परिवर्तन होता है, तो ऐसे शब्द कहलाते हैं विकारी, जिनके रूप में परिवर्तन हो। और रूप में परिवर्तन इन चार प्रकार से ही हो सकता है, लिंग, काल, कारक और वचन। ठीक है, तो अव्यय जो है इन पर, इन चारों का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन चारों का जो परिवर्तन है, शब्द परिवर्तन के जो चार डिपेंडेंट हैं, जो चार की वजह से शब्द में परिवर्तन होता है, अव्यय ऐसे शब्द हैं जिन पर इन चारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन चारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो इनके रूप में परिवर्तन नहीं होता, तो उसे हम अव्यय कहते हैं। तो अव्यय की अगर आप डेफिनेशन लिखेंगे, अव्यय समझ में आ गया होगा, अव्यय की अगर परिभाषा लिखेंगे हम, तो वे अविकारी शब्द जो लिंग, कारक, वचन और काल के अनुसार परिवर्तित नहीं होते हैं। ठीक है, या जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहते हैं अव्यय। ठीक है, तो इन्हीं अव्यय को हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण भी अव्यय कहलाते हैं, अव्यय का एक भाग है, क्रिया विशेषण ही अव्यय का एक भाग है। ठीक है, तो ये हो गया अव्यय के डेफिनेशन, अव्यय की डेफिनेशन क्लियर हो गए। ऐसे शब्द जो जिनके रूप में परिवर्तन नहीं होता,
ठीक है, वो अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो अव्यय को चार भागों में बांटा गया है। जो अव्यय के प्रकार हैं, अव्यय को चार भागों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? नंबर एक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण हम डिस्कस करते हैं। तो क्रिया विशेषण, हमने विशेषण पढ़ रखा है, हमने विशेषण पढ़ा था। विशेषण क्या बताया था मैंने? विशेषण की अगर हम बात करें, विशेषण हमने बताया था ऐसे शब्द जो इसकी विशेषता बताए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था विशेषण में ऐसे शब्द जो कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब यहां क्या है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या हो गया? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, क्रिया की विशेषता बताते हैं। कि ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्लियर? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताएं, उन्हें हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, जैसे विशेषण क्या था? विशेषण ऐसे शब्द थे जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते थे। सिमिलरली, क्रिया विशेषण क्या है? ऐसे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता बताते हैं। जैसे उदाहरण हम लेते हैं एक, जैसे राम तेज चलता है। अब देखिए, यहां राम क्या हो गया? काम करने वाला, तो करता। ठीक है, ये क्या है? क्रिया, चलना। तो क्रिया की तेज क्या करता रहा? चलने की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। ठीक है, तो जब भी ऐसा शब्द जो वाक्य में क्रिया की विशेषता बताए, उसे हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। ठीक है, अब हमने विशेषण में, आपको याद होगा, विशेषण में हमने पढ़ा था एक शब्द था प्रविशेषण। ठीक है, प्रविशेषण क्या थे? जो कि विशेषण की विशेषता बताएं। विशेषण की विशेषता बताएं। ठीक है, उनको हम बोलते थे प्रविशेषण। सिमिलरली, यहां है लेकिन यहां सेम नहीं है। यहां एक नाम है, उसका नाम इसके आधार पर नहीं है। ठीक है, यह क्या है? क्रिया विशेषण ही दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं। दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताएंगे। मतलब यहां पे हम प्रक्रिया विशेषण नहीं बोलेंगे उनको। ठीक है, यह क्रिया प्रविशेषण नहीं बोलेंगे। जैसे यहां विशेषण को प्रविशेषण बोलते थे, तो यहां पर इसको क्रिया प्रविशेषण नहीं बोलेंगे। यहां क्रिया का भी विशेषता क्रिया विशेषण बताते हैं, और क्रिया विशेषण की भी विशेषता क्रिया विशेषण बताते हैं। ठीक है, जैसे उदाहरण, पहले ही वाले उदाहरण को देखते हैं। राम बहुत तेज चलता है। तो देखिए, ये तेज क्या हो गया आपका? तेज क्या है? चलने की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया क्रिया विशेषण। तेज हो गया आपका क्रिया विशेषण। और ये जो बहुत शब्द है, वो किसकी विशेषता बता रहा है? तेज की। तेज क्या है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण की ये विशेषता बता रहा है, तो ये भी होगा आपका क्रिया विशेषण। तो कहने का है कि क्रिया विशेषण ही विशेष क्रिया विशेषण की विशेषता बताता है। ठीक है, क्रिया विशेषण की अगर विशेषता कोई बताए, तो उससे भी हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण की भी विशेषता अगर कोई बताए, तो उस शब्द को हम बोलेंगे क्रिया विशेषण। विशेषण की तरह नहीं है,
कि विशेषण में क्या था, अगर विशेषण की विशेषता बताते तो उसको प्रविशेषण बोलते थे, लेकिन क्रिया विशेषण में ऐसा नहीं है। क्रिया विशेषण की जो विशेषता बताएगा उसे हम बोलेंगे क्रिया विशेषण ही, ठीक है। अब आते हैं क्रिया विशेषण के भेद, क्रिया विशेषण के प्रकार। ठीक है, तो इसमें है पहला कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। पांचवा आपका दिशावाचक क्रिया विशेषण। नाम से काफी हद तक इसका आपको पता चलेगा। देखिए, कालवाचक क्रिया विशेषण, तो ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के समय के बारे में विशेषता बताएं। काल मतलब समय, ठीक है। पीडीएफ में आपको इसकी परिभाषा मिल जाएगी। ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के समय के बारे में बताएं, ठीक है, या क्रिया के होने के समय की विशेषता बताएं, या क्रिया के समय के संबंधित विशेषता बताएं, ठीक है, उन्हें काल विशेषण कहते हैं। ऐसे क्रिया विशेषण जो क्रिया के होने के समय की विशेषता बताएं, ठीक है, समझ गए। काल मतलब समय, वाचक मतलब बोधक, और क्रिया विशेषण ऐसे क्रिया विशेषण या ऐसे शब्द जो क्रिया के समय की विशेषता बताएं, ठीक है, या क्रिया के होने के समय की विशेषता बताएं, उन्हें हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। तो इसका उदाहरण देख के करते हैं तब ज्यादा समझ आएगा आपको। जैसे उदाहरण, परिभाषा आप समझ गए होंगे, परिभाषा लिखी हुई है, पीडीएफ की लिंक इस वीडियो में आपको नीचे मिल जाएगी, ठीक है। जैसे हुआ है तुरंत चला गया, ठीक है। अब देखिए, चला गया क्रिया है तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है, तुरंत। और तुरंत क्या क्या बता रहा है, समय। तुरंत मतलब जस्ट अभी, तो समय इस क्रिया के होने का समय की विशेषता बता रहा है, तो ये तुरंत क्या हो जाए आपका, कालवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। जैसे दूसरा, मैं वहां अभी अभी गया था। यहां भी देखिए, गया था जो था वो कब गया था, अभी अभी। यहां भी आपका ये जो अभी अभी है ये क्या बता रहा है, समय, समय संबंधित विशेषता बता रहा है क्रिया की, समय संबंधित विशेषता बता रहा है क्रिया की। तो समय संबंधित विशेषता जब भी क्रिया की बताएगा तो क्या हो जाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो यहां पर आपका अभी अभी जो है वो कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो इसमें कुछ शब्द हैं जो कि कालवाचक क्रिया विशेषण आप देख के पहचान सकते हैं। अन्य शब्द जो हैं क्या क्या आ सकते हैं इसमें, अन्य शब्द किसके, कालवाचक क्रिया विशेषण डिस्कस कर रहे हैं हम। इसमें क्या क्या चलता है, जैसे अभी अभी आ गया आपका आज, ठीक है, कल, परसों, जिसमें समय का बोध हो, ठीक है, कुछ देर, ठीक है, प्रतिदिन, लगातार, बार बार, ऐसे शब्द आएंगे आपके, तो आप समझ जाइएगा कि ये क्या है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। जैसे आपका दोपहर, सुबह, नित्य आदि, ठीक है।
ये सारे शब्द आपके पीडीएफ में मिल जाएंगे, आपको सब लिखे हुए हैं। तो ये आपके कहलाएंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण समझ गए, ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के समय की विशेषता बताएं, ठीक है, या क्रिया के होने के समय के संबंध में विशेषता बताएं, उन्हें हम कहते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण। अब है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। स्थानवाचक में क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जो क्या करें स्थान की विशेषता बताएं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण ठीक है, ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान के संबंध में विशेषता बताएं। ऐसे शब्द जो क्रिया के होने के स्थान के बारे में विशेषता बताएं, किसके बारे में, क्रिया के स्थान के बारे में, क्रिया के स्थान की विशेषता, ठीक है। ऐसे शब्द जो क्रिया के स्थान की विशेषता बताते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे जैसे आपका रोहित यहां नहीं है, तो देखिए नहीं है क्रिया हो गई, यहां क्या है स्थान बता रहा, ठीक है। तो यहां जो शब्द है आपका नहीं है क्रिया की विशेषता बता रहा है स्थान के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है ऊपर चले जाओ, तो जाने की विशेषता बता रहा है, ठीक है, चले जाओ जो क्रिया है उसकी विशेषता बता रहा है स्थान के रूप में ऊपर, तो ऊपर शब्द आपका क्या हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। और भी शब्द जो इसमें आते हैं आपके, अन्य शब्द जैसे उसमें लिखे थे हमारे, अन्य शब्द और क्या क्या है, स्थान क्या बताएगा, यहां वहां, ठीक है, पास दूर, पास पास, ठीक है, आस पास, ये सब शब्द जो हैं ये आपके स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं आदि, ठीक है। ये शब्द आते हैं तो वहां पर आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। और मूल जो परिभाषा है उससे भी देख सकते हैं आप, मूल परिभाषा क्या है कि ऐसे शब्द जो क्रिया के स्थान के बारे में विशेषता बताएं, या क्रिया के स्थान, क्रिया के होने के स्थान के बारे में विशेषता बताएं, ठीक है। नंबर तीसरा आपका क्या था, दिशावाचक, दिशावाचक क्रिया विशेषण, दिशावाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, दिशा मतलब कोई इशारा कर रहा होगा या क्रिया के होने की दिशा, ठीक है। जो शब्द क्रिया की दिशा के संबंधित विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की दिशा से संबंधित, दिशा से संबंधित विशेषता बताते हैं, क्या बताते हैं, विशेषता, क्योंकि क्रिया विशेषण है तो क्या कहलाते हैं, दिशावाचक क्रिया विशेषण। जैसे क्या हो जाएगा, वह उधर मुड़ गया, ठीक है। तो देखिए ये उधर इधर क्या दिखाता है, वह उधर मुड़ गया मतलब दिशा इंगित कर रहा है, ठीक है, ये दिशा को सूचित कर रहा है उधर, ठीक है। तो ये क्या क्या कहलाएगा आपका, दिशावाचक क्रिया विशेषण। जैसे राम का घर इधर है, क्या होगा, इधर क्या सब सूचित कर रहा है आपका, दिशा, तो ये हो जाएगा दिशा वाचक क्रिया विशेषण, ठीक है। और अन्य शब्द क्या इसमें प्रयोग हो सकते हैं,
अन्य शब्द इधर उधर किधर, ठीक है, सामने पीछे आदि, ठीक है। तो ये शब्द आपके कहलाएंगे क्या? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब अगला है आपका परिमाणवाचक। नाम से ही पता चल रहा, परिमाण मतलब मात्रा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण का मतलब क्या होता है? मात्रा। तो जो क्रिया की मात्रा के बारे में विशेषता बताएं, ठीक है, क्रिया की परिमाण या मात्रा के बारे में विशेषता बताएं। जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में विशेषता बताएं। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, वो कहलाएंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ऐसे शब्द जो क्रिया की मात्रा या परिमाण के बारे में विशेषता बताएं, उसे हम बोलेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बहुत अधिक खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। देखिए यहां क्या बता रहा, खाओगे क्रिया है, ठीक है, इसका क्या बता रहा, परिमाण बहुत अधिक। ये आपका क्या है? अधिक क्या है? परिमाण बता रहा है, तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक। और बहुत क्या हो जाएगा? ये भी एक क्रिया विशेषण हो जाएगा, जो कि इस क्रिया विशेषण की विशेषता बता रहा है, अधिक की। ठीक है, तो जो ये वाला अधिक है, ये क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। ठीक है, इसमें जो अन्य शब्द यूज प्रयोग में आए आते हैं इस में, वो क्या क्या है आपके? जैसे थोड़ा, पर्याप्त, अधिक, जरा सा, खूब, खूब, तनिक, बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, या केवल आदि, ये कहलाएगा आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब है आपका लास्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीति का मतलब होता है तरीका या ढंग। रीति का मतलब होता है तरीका या ढंग। तो रीति रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसका मतलब होता है तरीका या ढंग। तरीका, रीति का मतलब होता है तरीका या ढंग। तो इसमें कह सकते हैं ऐसे शब्द जो क्रिया की रीति या तरीका या ढंग या तरीके की विशेषता बताता है। क्रिया के होने की ढंग या तरीके के बारे में विशेषता बताता है, उसे हम बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया के होने के ढंग या तरीके की विशेषता बताता है, उसे हम बोलते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे क्या हो जाएगा? सुनील मधुर बोलता है। ठीक है, तो ये मधुर क्या हो जाएगा आपका? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे
गोलियां फटाफट चली, गोलियां फटाफट चली, ठीक है, फटाफट क्या हो जाएगा, रीति ढंग बता रहा है चलने का, तो ये हो जाएगा आपका रीतिवाचक। ठीक है, चलो ये था आपका क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेष अव्यय अव्यय का दूसरा रूप है आपका संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक। पहला था क्रिया विशेषण, अब है संबंध बोधक अव्यय, नाम से पता चल रहा है संबंध बोधक अव्यय, संबंध बताता हूँ, ठीक है, बोधक मतलब बोध कराता हूँ, बोध कराता या बोध कराने वाला, अव्यय का अव्यय लिख दीजिए, डेफिनेशन बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा, संबंध का बोध कराने वाले अव्यय को क्या बोलते हैं, संबंध बोधक अव्यय। संबंध का क्या हो जाएगा, संबंध, तो संबंध का बोध कराने वाले अव्यय को बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, ये तो हो गई इसकी नाम से परिभाषा, ठीक है, लेकिन इस परिभाषा से आप चाहेंगे कि आप क्वेश्चन में पता कर लेंगे तो नहीं पता कर पाएंगे, तो इसकी और डिटेल परिभाषा हम देखते हैं। वो क्या है, ये संबंध तो कराते हैं लेकिन किसका संबंध कराते हैं, संबंध तो यहाँ आ रहा है लेकिन किसका संबंध। तो ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं, ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं उसे बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। अब क्लियर हो रहा होगा, मतलब ऐसे शब्द जो किसी वाक्य में एक संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं उन्हें बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। जैसे जैसे मैं गोपाल के बिना नहीं जाऊंगा। देखिए यहां पर मैं क्या है, संज्ञा है और गोपाल भी संज्ञा है, तो इन दोनों के बीच में संबंध कौन बता रहा है, के बिना, ये के बिना जो शब्द है मैं और गोपाल के बीच में संबंध बता रहा है, तो ये हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। ठीक है, और इसके और अन्य शब्द कौन कौन से होते हैं जो प्रयोग में आते हैं इसके, बहुत हैं, जैसे हेतु, लिए, कारण, खातिर, मारे, ठीक है, बगैर, अलावा, अतिरिक्त, ठीक है, वास्ते, बिन, बिना, एवज, आगे, पीछे, आदि। और भी शब्द हैं आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, तो ये वो शब्द हैं जो एक संज्ञा या सर्वनाम को किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध बताते हैं किसी वाक्य में, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं संबंध बोधक अव्यय। अब हम चलते हैं, देखिए संबंध बोधक अव्यय में क्रिया विशेषण भी हैं, ये इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो हमने क्रिया विशेषण में भी लिखे थे कि आगे पीछे, ठीक है, क्रिया विशेषण में लिखे थे, तो इसमें अंतर क्या है, क्रिया विशेषण क्या है, जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, मतलब इनके आने का स्थान अलग है, इनके आने का स्थान क्या है, यहाँ देखिए संज्ञा सर्वनाम के बीच में आते हैं ये, इनका संबंध बता रहे हैं, और जो अगर ये क्रिया विशेषण के तौर पे आएंगे तो जाऊंगा की विशेषता बताएंगे, तो इसके पहले आएंगे वो, ठीक है, तो ये शब्द क्रिया विशेषण भी हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं, इनके जो इनका प्रयोग हुआ है उसके आधार पर हम इनको बताएंगे कि क्रिया विशेषण है या संबंध बोधक अव्यय है।
ठीक है। क्रिया विशेषण होंगे तो क्रिया की विशेषता बताएंगे, संबंध बोधक अव्यय होंगे तो संज्ञा या सर्वनाम के बीच में संबंध बताएंगे, ठीक है। अब तीसरा हम डिस्कस करने चलते हैं, संबंध के बाद है आपका समुच्चय बोध है, समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। पहला पढ़ा हमने क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक। समुच्चय का मतलब क्या होता है? समूह। बोधक मतलब बोध कराने वाला, तो जो समूह का बोध कराएं उन्हें हम समूह बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय करते हैं। लेकिन ये समूह है क्या? किसका समूह भाई? तो ऐसे शब्दों का भी समूह हो सकता है, वाक्यों का समूह हो सकता है, ठीक है। समूह में शब्दों का समूह हो सकता है या वाक्यों का भी समूह हो सकता है। तो अगर इनकी हम डिटेल डेफिनेशन देखें, शॉर्ट डेफिनेशन, तो क्या हो गई? जो समूह का बोध कराते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, लेकिन उससे आपका एग्जाम में पर्पज फुलफिल नहीं होगा। तो इसकी डिटेल डेफिनेशन है आपके, जो अविकारी शब्द ठीक है, या दो शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को परस्पर मिलाते हैं, को परस्पर मिलाते हैं या जोड़ते हैं उन्हें हम बोलते हैं आपका समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, जैसे आंधी आई और पानी बरसा, आंधी आई और पानी बरसा, तो यहाँ और शब्द क्या है? इन दोनों वाक्यों को परस्पर जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? समुच्चय बोधक अव्यय। और दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो, जैसे मोहन ने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका। मोहन ने परिश्रम किया परंतु सफल ना हो सका, तो ये वाक्य है मोहन ने, उपवाक्य है मोहन ने परिश्रम किया, और एक है सफल ना हो सका। इन दोनों को जो जोड़ रहा है वो क्या है? ये कहलाएगा आपका समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक क्या है? दो वाक्यों को जोड़ रहा है। तो ये पूरा अगर एक वाक्य है तो इन दोनों वाक्यों को हम बोलेंगे, ये उपवाक्य हो गया, ये एक उपवाक्य हो गया, ठीक है। तो दो उपवाक्यों को जोड़ने के लिए जो योजक आते हैं उन्हें हम बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। तो समुच्चय बोधक अव्यय मेनली आपके दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। दो भेद होते हैं इसके, कौन कौन से? नंबर एक, एक होता है समानाधिकरण, समा ना अधिकरण, ठीक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं भाई ये, ठीक है। ये क्या है? जिन जो किसी दो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, दो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। दो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। इनके भी आपके चार उपभेद होते हैं, इसके चार उपभेद हैं। पहला संयोजक, संयोजक संयोजक में क्या है? ये दो वाक्यों को जोड़ेंगे, दो मुख्य वाक्यों को जोड़ेंगे। जैसे
एग्जाम्पल मैंने, उसका और उसके भाई का संदेश पहुंचा दिया था, का संदेश पहुंचा दिया था। ठीक है, तो देखिए ये उसने जोड़ दिया, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, संयोजक। और जैसे एक एग्जाम्पल और, सीता और गीता चली गई, सीता और गीता चली गई। ठीक है, दूसरा है आपका विभाजक, विभाजक। तो ये विभाजक के तौर पे भी काम करते हैं। विभाजक क्या है, जैसे मतलब दोनों वाक्यों को विभाजित टाइप से करेंगे, दोनों से मुख्य वाक्य नहीं होंगे। जैसे कॉपी, कॉपी तो मिल गई, ठीक है, किंतु किताब नहीं मिली। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को यहाँ किंतु जो आएगा वो क्या कहला जाएगा, किस में आ जाएगा, समानाधिकरण का विभाजक। और आगे आपका कौन सा है, विभाजक के बाद विकल्प सूचक, विकल्प सूचक। ये क्या करेगा, ऑप्शन देगा, विकल्प सूचक मतलब विकल्प प्रदर्शित करेगा आपके वाक्य में। ये जो है वाक्य में विकल्प प्रदर्शित करेगा, जैसे मेरी किताब रमेश ने चुराई या दिनेश ने, मेरी किताब रमेश ने चुराई या दिनेश ने। देखिए विकल्प दिया उसने, या तो रमेश ने चुराई या दिनेश ने चुराई है। तो इस तरीके का जब भी वाक्य आएंगे आपका, तो आपकी क्या होगा, विकल्प सूचक। और लास्ट है आपका इसमें विरोध दर्शक, विरोध दर्शक मतलब एक वाक्य दूसरे को विरोधाभास करेगा, एक वाक्य जो है दूसरे को विरोध करेगा। जैसे मोहन की बुद्धि तेज है, किंतु वह आलसी है, किंतु वह आल सी है। ठीक है, मोहन की बुद्धि तेज है किंतु वह आलसी है। देखिए विरोध कर रहा है, मोहन की बुद्धि तेज है किंतु वह आलसी है। तो ये हो जाए होंगे आपके समानाधिकरण। अब इसका दूसरा पार्ट है आपका व्यधिकरण, व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। व्याधिकरण क्या है, वहां क्या था, दो मुख्य वाक्यों को जोड़ रहा था। यहां क्या है, एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ा जाता है। यहां जो है आपका एक मुख्य वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्यों को जोड़ा जाएगा। वाक्यों को जोड़ते हैं, ठीक है। ये भी आपके चार प्रकार के होते हैं, जैसे उसमें था, इसमें कौन कौन से हैं, एक एक करके देखते हैं। जैसे कारणवाचक मतलब इनमें कहीं ना कहीं रीजन दिखाई देगा। जैसे जो रीजन होगा वो दूसरा वाक्य उसका फल होगा। जैसे
मैं वहां नहीं आ सका क्योंकि बारिश हो रही थी। देखिए, मैं वहां नहीं आ सका क्योंकि बारिश हो रही थी, तो ये कारण बता रहा है क्यों नहीं आ सका, क्योंकि बारिश हो रही थी। तो ये क्योंकि जो शब्द है आपका, ये कहलाएगा आपका व्याधिकरण समुच्चय बोधक, वो भी कारणवाचक। ठीक है, और भी शब्द क्या प्रयुक्त होंगे इसमें, जो कि, इसलिए, ये शब्द इसमें प्रयोग होंगे। दूसरा है आपका उद्देश्यवाचक, उद्देश्यवाचक मतलब कोई ना कोई उद्देश्य प्रकट होगा इन वाक्यों से। ठीक है, तो मैं वहां इसलिए गया था, ठीक है, उद्देश्य होगा। जैसे मैं वहां इसलिए गया था ताकि पुस्तक ले आऊं, ठीक है, तो उसको पुस्तक, वहां जाने का उद्देश्य क्या था, पुस्तक लाना। तो ताकि वर्ड जो आ जाएगा आपका, वो हो जाएगा उद्देश्यवाचक। ठीक है, और भी शब्द जो इसमें युक्त प्रयुक्त होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ताकि या जो या इसलिए और की आदि, ये शब्द प्रयोग होंगे। ठीक है, अगला है आपका उद्देश्य के बाद संकेतवाचक। क्या है इसमें, एक वाक्य शर्त होगा और दूसरी वाक्य उस शर्त का फल होगा, मतलब संकेत देगा। ये इसमें शर्त प्रयोग होगी और एक वाक्य में शर्त रहेगी और शर्त का फल दूसरे वाक्य में रहेगा। इस तरीके के जो वाक्य रहेंगे, जैसे जैसे उदाहरण से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। जैसे यदि समय मिला तो, यदि समय मिला तो मैं अवश्य आऊंगा। देख, ठीक है, तो शर्त है यदि समय मिला, लेकिन फल क्या है, आऊंगा। ठीक है, शर्त क्या है, यदि समय मिला, उसके बाद फल पता नहीं चल रहा है क्या है, समय मिला तो क्या होगा, वो दूसरे वाक्य में प्रकट होगा, तो फल है मैं आऊंगा। ठीक है, तो आपका जो यदि शब्द है ये कहलाएगा आपका संकेतवाचक। इसमें अन्य और शब्द जो प्रयुक्त होते हैं, तो ये यदि तो, या तो, ठीक है, यद्यपि, तथापि आदि। ठीक है, उसके बाद संकेतवाचक के बाद है आपका लास्ट है इसका स्वरूपवाचक, स्वरूपवाचक। स्वरूपवाचक में क्या है, ठीक है, जैसे कृष्ण ने कहा मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, तो पहले सेंटेंस में आपको इसमें कुछ नहीं पता चलेगा, उसका फल जो है दूसरे सेंटेंस में पता चलेगा, तो इसको बोलते हैं स्वरूपवाचक। ठीक है, जो मेन रूप है वो आपको दूसरे सेंटेंस में पता चलेगा, तो इसको बोलते हैं स्वरूपवाचक। कृष्ण ने कहा कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, ठीक है, कि मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो यहाँ की आपका हो गया स्वरूपवाचक में। तो इसका और भी इसमें जो प्रयुक्त होते हैं, अर्थात शब्द प्रयुक्त होते हैं, मानो, यानी, की आदि। तो ये था आपका समुच्चय बोधक। अब लास्ट है आपका इसमें अव्यय में विस्मयादिबोधक, चौथा।
जिसमें आदि बोधक अव्यय। विस्मय का मतलब क्या होता है? अचरज या आश्चर्य। तो इसमें ऐसे शब्द जो कि हर्ष, लज्जा, ठीक है, हर्ष, लज्जा, शोक आदि मनोभाव प्रकट करें, ठीक है, तो कहलाएंगे विस्मय आदि बोधक। ठीक है, जैसे हाय, वह चल बसा, तो यहाँ क्या है, शोक तो प्रकट हो रहा, तो ये हाय जो है ये हो जाएगा विस्मय आदि बोधक अव्यय। ठीक है, या वाह क्या मौसम है, ठीक है, तो इसमें जो वाह है आपका ये हर्ष प्रकट कर रहा है, तो ये आपका हो जाएगा विस्मय आदि बोधक। ठीक है, ये थे आपके, मैंने बताया था उस समय कि अव्यय बचा है और एक और बचा था छोटा सा, अव्यय खत्म हो गया आपका, निपात। तो निपात कुछ नहीं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि किसी सेंटेंस में प्रयोग होते हैं अव्यय की सहायता करने के लिए ही। ठीक है, मूलतः इनका प्रयोग अव्यय के लिए ही होता है। ठीक है, मूलतः इनका प्रयोग किसके लिए होता है, अव्यय के लिए, अव्यय की सहायता के लिए। और ये किसी वाक्य में क्या देते हैं, बल प्रदान करने के लिए, बल प्रदान करने के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, ये जो है वाक्य का अंग नहीं होते हैं, ये वाक्य के अंग नहीं होते हैं। ठीक है, इनके लगाने से वाक्य के अर्थ में प्रबलता तो आती है, लेकिन ये वाक्य के अंग नहीं होते हैं। ठीक है, और इन पर लिंग और वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। निपात पर जो है लिंग और वचन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है, का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, जैसे राम ही लिख रहा है। ठीक है, देखिए, अच्छा आप कैसे बल मिलता है वो मैं कंपेयर करके बता देता हूँ। एक सेंटेंस है राम लिख रहा है, और एक कोई बोल रहा है राम ही लिख रहा है, तो मतलब क्या है, इसमें वो ज्यादा कॉन्फिडेंट है, वो ज्यादा फोर्स से ये कह रहा है कि राम ही लिख रहा है, राम लिख रहा है, और राम ही लिख रहा, मैं इसमें इसके अर्थ में ज्यादा बल है। तो जो ही शब्द है यही इसने अंतर आया है, यही प्रदान किया है बल इसके अर्थ को, तो जो ही शब्द है वो हो जाएगा आपका यहाँ पर निपात। ठीक है, और जैसे तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, तुम तो कल जयपुर जाने वाले थे, तो यहाँ पर जो तो शब्द है वो यहाँ पर फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बल प्रदान कर रहा है यहाँ के अर्थ, तो ये हो जाएगा आपका निपात। और जैसे मनीष अभी तक यही है, मनीष अभी तक यही है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो तक है वो आपका क्या है, निपात, अभी तक यही है, ये आपका निपात है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका अव्यय और निपात, ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।